एक्चुअली एक डिश जो है ना वो सबको समझ में आती है, उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो सबको वो डिश समझ में आती है, चाहे टर्की हो पर्जिया हो, मतलब वो डिश सबको जोड़ती है। वो डिश है हलवा, है जी। तो हलवा बनाते हैं आज, लेकिन सबने कैप्शन तो पढ़ लिया तो इतनी भूमिका बांधने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ब्रेड का हलवा बनाते हैं जी। अक्सर कन्फ्यूजन वही होता है ना, ब्रेड बच गई क्या करें, तो मैंने कहा एक पूरी सीरीज़ कर दो जी। ब्रेड बच गई तो ये भी कर सकते हैं, 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 ये भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और बनाते हैं ब्रेड हलवा, लेकिन वो सुगम संगीत के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। ब्रेड हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड की ना साइड्स ट्रिम कर लो जी, ठीक है। ये जितनी ट्रिम कर सकते हो आप उतनी ट्रिम कर लो। अब ये जो है ब्रेड की साइड्स फेंकेंगे नहीं है, इसको फ्राई करके सूप की गार्निश में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो ब्रेड की साइड्स हैं इनको मसाला वसाला लगा के अवन में रोस्ट कर लो, तवे पे ड्राई कर लो, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं क्रंच के लिए, या फिर सिर्फ इसको ड्राई करके और मसाले वसाले मिला के जैसे नमकीन होता है ना, नमकीन वैसे खा सकते हैं। काम की चीज़ है। नाइस। ये लो जी, अभी क्या करना है, अभी लेना है घी। क्योंकि क्या कहते हैं वो, जो करे मां ना प्यो वो करे देसी क्यों। अभी घी में करना है ब्रेड को टोस्ट। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यही वाला यूज करनी है ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्राउन जो ब्रेड घर पे आती है वो यूज कर सकते हैं। क्या है ना कि पुरानी ब्रेड जो है स्टेल ब्रेड का सबसे बेसिक उपयोग जो है वो ये है कि चलो भाई स्टेल ब्रेड को सुखाओ, पुरानी ब्रेड को सुखा के और उसको मिक्सी में डाल के पीस लो, नमक डाल के, तो ब्रेड क्रम बन जाएगा। लेकिन आदमी ब्रेड क्रम भी कितना बनाए है, यू नो, ब्रेड क्रम के डब्बे भर लिए, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद ब्रेड उपमा, ब्रेड की सब्जी, ब्रेड का हलवा, और रेसिपीज आपको पता है कहाँ मिलेंगी, घर की बात है जी, कभी भी आ जाइए, रेसिपीज यही है। जैसे वो घी टोस्ट बनाते ना, घी टोस्ट है ना, कि घी में मक्खन में ब्रेड को टोस्ट कर लिया, बस वही वाला फील है, वैसी ही खुशबू आनी चाहिए। पार्ट टू बची हुई, एक साथ बहुत सारी ब्रेड नहीं डाली वरना वो फिर वो क्रिस्पी नहीं होगी। हाँ, घी जो है वो ठंडा हो जाएगा, हमारे घर की गैस इतनी बड़ी नहीं होती ना, इसलिए दो बार मैं कर रहा हूँ। ब्यूटिफुल, क्रिप्सी क्रिप्सी हो गया ना, वो घी ब्रेड टोस्ट। देखिए फॉर्मूला वही है, चाहे शाही टुकड़ा है चाहे डबल का मीठा है, ब्रेड को घी में तल के शक्कर के साथ कभी भी इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी टेस्टी हो जाती है। बेसिक फॉर्मूला वही है, घी टोस्ट के ऊपर शक्कर डाली खाई ना आपने, बस। अभी उसी कढ़ाई में काजू तल लेते हैं। शाम में गम की कसम, काजू तो भाई ठोक के डाले हुए हैं, वह इतना बहुत है जी। काजू इम्पॉर्टेंट है इसमें, न्यूट्रिशन के लिए भी और इस हलवे को गाढ़ा करने के लिए भी। मैंने कहा कौन चम्मच उठाएगा, आज की कुकिंग ऐसे ही होगी, हलवा भी ऐसे ही बनाएंगे, बस इतना ही गरम करना है और निकाल लेना है। काजू को हमेशा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ, काजू को आप निकाल लेंगे तेल से तो भी पकता रहेगा वो। 30% काजू की कुकिंग तेल के बाहर होती है,
तो अगर आप तेल में ही उसको पूरा कलर दे देंगे फिर तो तेल के बाहर आके वो कोयला बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। काजू को कभी भी फ्राई करें, 60-70% कलर ही दें तेल के अंदर, उसके बाद तुरंत निकाल लें। ये देखिए कलर अभी तक आ रहा है और आता रहेगा जब तक काजू ठंडा ना हो, ठीक है जी। अब इसका बनाना है जी पाउडर पेस्ट, जो भी आपको बनाना है, मिक्सी में इसको पीस के रख लेना है, ठीक है। अभी उसी घी में ये गई चिरौंजी और ये गई किशमिश। किशमिश के बलून बनाने हैं, बलून ईशान को बड़े अच्छे लगते हैं किशमिश के बलून, जब किशमिश घी में ज़्यादा है तो उसके बलून बन जाते हैं ना। ये देखिए किशमिश के बलून, और जैसे ही किशमिश के बलून बन जाएं वैसे ही डाल देना है दूध। अब दूध के बाद या तो शक्कर डालनी है या शहद। हाँ, ऐसे एक और हलवा बनता है बड़े कमाल का, पता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मैं। वो ग्लूकोज बिस्किट होता है ना, ग्लूकोज बिस्किट, इसी हलवे में ग्लूकोज बिस्किट का चूरा करके डाल दूँगा, मतलब 80% ब्रेड और 20% ग्लूकोज बिस्किट, फिर भूनो, फिर देखो मजे। अच्छा, अगर शक्कर नहीं डालनी तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं इसमें, हैं, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दीजिए, शक्कर का काम हो जाएगा, मिठास की मिठास और रिचनेस की रिचनेस। एक्चुअली यू नो व्हाट, कंडेंस मिल्क लेके आता हूं। ये गया कंडेंस्ड मिल्क, और ये गई ब्रेड, दूध ब्रेड, याद आ रही ना, दूध ब्रेड, बस दूध ब्रेड। रिलेटेबिलिटी खाने में बहुत जरूरी है, एज लॉन्ग एज जब तक आप एक कनेक्शन बना सकते हैं ना हर चीज के साथ, सबसे बेसिक चीज के साथ भी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज के साथ भी, हर एक का एक ना एक कनेक्शन होता है, एक ना एक लिंक होता है। जब आपका वो लिंक बन जाता है ना तो उसके बाद खाना बनाना आसान हो जाता है। अच्छा हाँ, अरे ये तो बिल्कुल शक्कर वाली दूध ब्रेड जैसी है, बस आपने एक बार वो सोच दिया ना फिर लाइफ ईजी है। ऑलवेज ऑलवेज मेक कनेक्शन व्हेनेवर यू कुकिंग, जो आप नहीं जानते हैं उसको जो आप जानते हैं उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। ब्रेड जो है वो घुल रही है ना, ब्रेड ने पी लिया दूध, अब दूध घी मावा, ओए होए होए, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। एक काम और हो सकता है जी इसका, ठीक है, वो क्या हो सकता है, आप ब्रेड लें, ब्रेड का सफ़ेद वाला हिस्सा लें, उसको मिक्सी में घुमा लें, रफली दरड़ा कर लें, मतलब रफ कर लें उसको, और मिक्सी में घुमाने के बाद उसको घी में भून लें, जैसे घी में हम लोग रवा या आटा भूनते हैं ना, उसको घी में भून के ब्राउन कर लें, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी या दूध डाल लें, वो पॉसिबिलिटी भी है, नहीं तो मोटा मोटी ऐसे ही तल लें। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगा तो ब्रेड क्रम बनाऊंगा। अगर दूध नहीं डालेंगे ना इसमें, अगर आप पानी और शक्कर के साथ बनाएंगे तो रंग थोड़ा गाढ़ा आएगा। दूध का एडवांटेज कह लीजिए, डिसएडवांटेज कह लीजिए, ये है कि रंग हल्का कर देता है। अब जैसे हलवे को भूनते हैं वैसे भूनना है घी अच्छे से छुड़वाने तक। और ये वो जो काजू था ना जो हमने पहले फ्राई किया था, इसको भी अच्छे से अब मिला देना है। ये अब गया फ्राइड काजू, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए। ब्यूटीफुल, देखिए शक्कर श्रद्धा अनुसार, और जैसा मैंने बोला अगर आपको रंग बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा हलवे का होता है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी में वो रिचनेस वो रजाइत नहीं होती, ब्रेड जो है रुखी होती है ना, तो उसको ये घी और दूध जो है चाहिए होता है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, इसलिए मिल्क और कंडेंस मिल्क का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। डन है जी, अभी अंत में गैस करनी है बंद और डालना है थोड़ा सा इलायची पाउडर जी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, ज़्यादा नहीं। चलो जी प्लेटिंग करें। हलवे की जो कहानी है ना, फिर वही बात है, मैं कुछ बोलूंगा लोग बोलेंगे अरे इंडिया का भी कुछ है। देखिए ये इंडिया की जो डेफिनेशन है ना ये बहुत लेटेस्ट है, कहने को पूरी दुनिया में किसी का कुछ नहीं है, सबने एक दूसरे से चीज़ें ली, चाहे वो नई सभ्यता हो या पुरानी, एवरीबडी हैज टेकन ऑन फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। हिंदुस्तान ने दुनिया से लिया है, दुनिया ने हिंदुस्तान से लिया है,
तो ये जो कहानी है ये चलती रहेगी। ड्राई रोज पेटल्स। अब ये सब जो है रणवीर ब्रदर का ड्रामा है ना। अब ये देख के ये नहीं बोलना अरे यार इसे कौन बनाएगा, इसके तो सूखे गुलाब चाहिए, इसके लिए सिर्फ ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए और घी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब रणवीर ब्रदर के ड्रामे हैं। मिंट सिर्फ शगुन के लिए है, हाँ सिर्फ शगुन के लिए। तो शगुन का वेट मत करिएगा, आप बनाइएगा इसको, है ना। बहुत सिंपल है, ब्रेड भुनी, उसके बाद दूध डाला, उसके बाद शक्कर डाली, उसके बाद घी डाला और भूनते गए भूनते गए भूनते गए भूनते गए, बाकी सब रणवीर के ड्रामे हैं, बनाइएगा। थैंक यू। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।